सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। प्रभु प्रकट हो जाइए। प्रभु मैं जानता हूं कि आप सर्वस्व हैं। आज मेरे पिता को समझाने के लिए आपको आना होगा, नहीं तो उन्हें अपराध बोध कैसे होगा। ऐसी बात सुनने के पश्चात हिरण्यकश्यपु ने कहा, कोई हरि स्तंभ में नहीं रहता, मैं इस स्तंभ को ही तोड़ देता हूँ। जैसे हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ पर प्रहार किया, स्तंभ टूट गया और उस स्तंभ के फटने से उसमें से नृसिंह भगवान का प्रकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह अवतार की। नृसिंह भगवान गुर्राती ध्वनि के साथ वहां पर प्रकट हुए और जैसे नरसिंह भगवान को देखा, जिनका मुख शेर की मानिंद था, धड़ मनुष्य की मानिंद, हिरण्यकश्यपु मारने के लिए आगे बढ़ा तो नृसिंह भगवान ने उसको पकड़कर घसीटकर सीधा उस समय कक्ष की दहलीज में लेकर बैठ गए। कहने लगे, तुमने मेरे भक्त पर बहुत अत्याचार किए हैं, आज तो मेरे चंगुल से नहीं बच सकता, मैं तेरा कराल काल बनकर आया हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं बनकर आया काल हूँ, जिससे ना तू बच पाए, मैं मृत्यु रूप विकराल हूँ। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता मैं? जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, तुम्हारा वरदान मेरी अनंतता की थाह नहीं ले पाया। आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में। कहने लगे, मूढ़ दानव, ना तू इस समय पृथ्वी पर है और ना इस समय तू आकाश में है, मैं तुझे अपने अंक में लेकर बैठा हूँ, नहीं तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, कैसे मारोगे मुझे? अरे मूढ़ दानव, दया आती है मुझे तुझ पर, ना तुम्हें अंदर मानूंगा ना तुझे घर के बाहर मानूंगा, मैं तुझे घर की दहलीज में लेकर बैठा हूँ, मैं तुम्हें यही मारूंगा, नहीं तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है, ना मैं देव से मरूं, ना दानव से, ना पशु से, ना मानव से। हे मूढ़ दानव, वरदान मांगते हुए तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई थी, ना मैं देव हूं ना दानव, ना मैं पशु हूं ना मानव, तुम्हारे लिए मुझे ये नया रूप धारण करना पड़ा। मेरा सिर शेर की मानिंद और धड़ मनुष्य की मानिंद है। जिस दिन तूने वरदान मांगा था उसी समय मेरे इस अवतार तत्व की घोषणा हो गई थी, तू मुझे समझ ही नहीं पाया, नहीं तू मुझे फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि मैं ना तो अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, कैसे मारेगा? मैं तुझे अपनी नखों से मारूंगा और नखों के द्वारा तेरा संहार करूंगा। और ऐसा कहकर ऋषि भगवान ने अपनी नखों के द्वारा उसके उदन को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतड़ियों को बाहर निकालते लप लपाती जीवा से उसका रक्त का पान करने लगे और उसके मृतक शरीर को जमीन पर लुढ़का दिया। प्रभु क्रोधित है और ऐसे समय में स्वयं महामाया उनके इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हुई, तो प्रहलाद ने आकर प्रभु के रूप को सौम्य कर दिया, शांत कर दिया। प्रहलाद के कारण मानव समाज में सनातन हिंदू पद्धति की रक्षा हो गई, कोई समझ नहीं पाया। 5-7 साल के बालक ने अपने पिता के विरोध में एक आंदोलन छेड़ा और पिता के विरोध में एक बिगुल बजा दिया था। बिगुल किस बात का? जब ऐसी परिस्थिति में हिंदुत्व खतरे में था, सनातन धर्म की हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस धज्जियां उड़ा रहा था और सारे राज्य में ये कह रहा था कि कोई हरि नहीं, कण कण में भगवान नहीं है, मंदिरों को नष्ट कर दो, मूर्तियों को नष्ट कर दो, साधु महात्माओं को मार डालो, उन्हें मौत के घाट पहुंचा दो। जब सनातन धर्म सबसे भयंकर संकट में था, उस छठे मनवंतर का सबसे बड़ा रक्षक बनकर प्रहलाद सामने आया और आज तक उस भक्त का व्याख्यान हम जगह जगह पर सुनते हैं। जो ऐसे महान अभियानों के जन्मदाता होते हैं, उन महान अभियानों के जन्मदाता के समक्ष भगवान नतमस्तक हो जाते हैं, ये दुनिया की क्या बात है। एक नन्हे से बालक की कहानी को हमने सिर्फ कहानी के रूप में सुना है, उस बच्चे को देखो, इतनी भारी सैनिक शक्ति के सामने वो अकेला डटा रहा और उसने अपना असुर बालकों का दल अलग से तैयार किया।
आज की परिस्थिति में हम छोटी छोटी घटनाओं से विचलित होते हैं, लेकिन प्रहलाद ने उस समय सनातन तत्व की रक्षा के लिए स्वयं को आगे कर दिया और मृत्यु से डरा नहीं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का संघर्ष अवश्य भावी है। प्रहलाद का अर्थ है प्रकृष्ट आह्लाद और हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या हुआ? सोने की सेज पर सोने वाला प्राणी। हिरण्य का अर्थ होता स्वर्ण सोना, कशिपु अर्थात सेज सोने वाला, जिसकी आसक्ति धन पर टिकी है। हिरण्याक्ष राज्यों को जीतता था, धन को एकत्रित करता था और हिरण्यकश्यप उस पर शासन करता था, आनंद भोगता था, लेकिन क्षणिक। कभी भी पैसे से प्रकृष्ट आह्लाद नहीं मिलता, आह्लाद तो भगवान के भजन सुमिरन से ही मिलता है। इसलिए वो हमें यही सिखाना चाहते थे। प्रहलाद ने मानव समाज में जो भक्ति की प्रतिष्ठा को स्थापित किया और बता दिया कि जब जीवन में आनंद रस की अभिलाषा हो तो श्री हरि को पालो और आप भक्तों का चरित्र देख लेना। मीराबाई के पास ऐसा क्या था कि वो पैरों में घुंघरू बांधकर झूम झूम कर नाचने लगी? आखिर कृष्ण ऐसा क्या देते थे कि गोपियां उसके इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हो जाती थी? इन भक्तों को क्या मिल जाता है कि दुनिया की लोक लाज भूलकर शुद्ध बुद्ध खोकर प्रभु भक्ति का जामा ओढ़ लेते हैं और प्रभु के नाम का मस्तक पर श्रृंगार करा झूम झूम कर नाचने लगते हैं? इन महात्माओं की भक्ति को समझो संतो। हे महामानवो, इनकी भक्ति का अर्थ समझो, मर्म समझो। जब हम समाज में विचरते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, आज का समाज रेपुटेशन की बात करता है। हाई क्वालिफाइड दिखना चाहिए, रेपुटेटेड दिखना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, दिखना चाहिए। पर अगर रेपुटेशन का आवरण ओढ़कर अंदर से खोखले रहे तो जीवन में आनंद नहीं रहेगा। लेकिन अगर फकीरी को धारण कर लिया, फटे वस्त्रों में भी भीतर आनंद छिपा है, तो साधु को उन फटे वस्त्रों से लाज नहीं आएगी, वो अपने आनंद में झूमेगा, वो अपने आनंद में नाचेगा। यही संतों की मस्ती होती है। तभी सब कहने लगी गोपियां कि हमें संसार की लोकलाज की कोई चिंता नहीं, आने वाला समाज उन्हें क्या कहेगा, वर्तमान समाज उन्हें क्या कहेगा, उनके घर के संबंधी उन्हें क्या कहते थे, उनको इस बात की चिंता नहीं थी। वो श्याम के धुन पर नाचती थी। जब ईश्वर मिलता है तो व्यक्ति नृत्य किए बिना रहता ही नहीं है, तभी कहता है मैंने नाचना है तो उसके लिए नाचना है, मैं नाचूंगा तो उसके साथ नाचूंगा, उसके नाम पर नाचूंगा। नच लेन देनी मैनू, नच लेन दे नचना शामी दे ना, अज मैनू नच लेन दे, नच लेन देनी मैनू, नच लेन दे, नच लेन देनी मैनू, नच लेन दे, नच लेन देनी मैनू, नच लेन दे। नी मैं नचना उनी मैं नचना उनी मैं नचना चामी दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना चामी दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, हो नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, हो नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। मैं नचना कोनी मैं नचना कोनी मैं नचना शामी दे नाले, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शामी दे नाले, अज मैनू नच लैण दे। दुनिया दे नाले नचिया बथेरा, हो दुनिया दे नाले नचिया बथेरा, दुनिया दे नाले नच
ਪਿਆ ਬਖੇਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣਾ ਉਹਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਉਹਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਚਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਚਾਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਬਾਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਮੁਝ ਕੋ ਮਿਲਾਇਆ ਬਾਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਮੁਝ ਕੋ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਬਾਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਮੁਝ ਕੋ ਮਿਲਾਇਆ ਬਾਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਗਦਾ ਜਗਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਗਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਉਹਨੇ ਨੱਚਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ नाचना है या नहीं नाचना किसके लिए नाचना उसके लिए किसके साथ नाचना उसके साथ फिर क्यों बैठे हैं इतना सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की धरती त्रिवेणी प्रयाग राज की गोदी में बैठकर गंगा मैया में स्नान करके माँ का प्यार पाकर भी हम बैठे कैसे रह सकते हैं भजन तो तब तक नहीं चलेगा जब तक सब शाम के लिए झूम नहीं लेते तब तक नहीं रिदम चलती रहे मीठी मीठी कैसे करना है रहने देते हैं भजन क्योंकि झूमना तो हमको है नहीं रहने दें होना चाहिए तो इधर से भी तो कुछ चाहिए या सारा इधर से ही चाहिए वन टू थ्री ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ
लैण दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे, दुनिया दे नाले नचिया बथेरा, दुनिया दे नाले नचिया बथेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, ओ दुनिया दे नाले नचिया बथेरा, दुनिया दे नाले नचिया बथेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया जगदा तूह जगदा तारण हार, अज मैनू नच लैण दे, मोह जगदा तारण हार, अज मैनू नच लैण दे, ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नचना चामे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना चामे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नचना चामे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना चामे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, हो नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, हो नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नचना चामे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना चामे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना चामे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना चामे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, सतगुरु ने मैनू रास्ता विखाया, सतगुरु ने मैनू रास्ता विखाया, ओ बाके बिहारी से मुझको मिलाया, बाके बिहारी से मुझको मिलाया, ओह जगदा ओह जगदा ओह जगदा तारण हार, अज मैनू नच लैण दे, ओह जगदा तारण हार, अज मैनू नच लैण दे, ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच मिटने वाले दो लोग होते हैं,
कई लोग ईश्वर के नाम पर स्वयं को मिटा देते हैं, और कोई मिटने वालों में ऐसे भी होते हैं जो देश के नाम पर अपने आप को मिटा देते हैं। जज्बा दोनों में प्रबल होता है, तूफान दोनों ओर प्रबल होता है, आग दोनों ओर लगी होती है, लेकिन मिटने की भावना बन रहती है। अब आपको ले चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में। आप जानते हैं कि भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के प्रारंभ में एक गाथा आती है, बहुत पुरानी कहानी। आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगी। भागवत में गज ग्रह का प्रसंग जो है, जो हमने उपाख्यान सुना है, वो सभी जानते हैं कि कैसे गजेंद्र का पांव ग्रह ने पकड़ा था और श्री हरि ने आकर उनका रक्षण किया। उस समय जब हरि के चरणों में गज ने सरोवर से ही एक कमल तोड़कर अर्पित किया कि प्रभु मेरा रक्षण करो, और भगवान उसकी रक्षा के लिए आ गए। गज का भी उद्धार किया, ग्रह का भी की, और साथ ही दोनों को सर्वप्रिय मुक्ति भी दे दी। ये कहानी हम सबको पता है। क्षीर सागर के तट पर घटित ये घटना आखिर भागवत महापुराण में जो दो पशुओं की कहानी है क्यों लिखी है? सुखदेव मुनि जी महाराज आखिर इस कहानी के द्वारा क्या समझाना चाहते थे? सोचिए, इस संसार में अनेकों घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन एक हाथी और एक मगरमच्छ की कहानी, कुछ तो होगा। कहानी सार तत्व तो समझाती है कि जिस प्रकार गज इतना मदमस्त था अपनी जवानी की सरसारी में और अपनी गज पत्नियों के साथ जू स्नान में लिप्त था, नहीं जानता था कि वो कभी काल का ग्रास भी बनेगा और कभी भी वो मृत्यु के चपेट में आ सकता। वो जीवन का लक्ष्य भूल गया। अब कभी आपको जीवन में किसी अभाव का सामना ना करना पड़े, लेकिन भगवान को कभी मत भूलना। आपको आचार्य विनोबा भावे जी के जीवन के छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूं। रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे थे। आपको पता है रेलगाड़ी में हर वर्ग का व्यक्ति बैठ जाता है। उस गाड़ी में एक गरीब दो पत्थरों को लेकर अच्छी सी ध्वनि पैदा करता हुआ एक भिक्षुक चढ़ गया। आपने देखा होगा कई लोगों के पास गाने की कला होती है, दो पत्थरों को इस प्रकार बजाते साथ साथ गाते रहते हैं। तो उस ट्रेन के उस डिब्बे में एक ऐसा भिक्षुक भी चढ़ गया जो पत्थरों से अच्छी सी ध्वनि पैदा कर रहा था, साथ साथ गा रहा था। ये बहुत उस समय की बात है जब आना चला करता था, ये रुपया, ये नहीं, रुपया भी चलता था लेकिन आना, दो आने, तीन आने, चार आने, इस प्रकार से तब ये चलता था हमारा लेन देन में। जैसे वो ऊपर चढ़ा, उसने गाया, तो एक अमीर व्यक्ति का ध्यान खिंच गया। कहता, क्या मधुर कंठ है, बात है कुछ। अमीर व्यक्ति ने कहा, अरे इधर आओ, एक गाने वाले इधर आओ। बेचारा भिक्षुक पास चला गया। कहते, क्या सुना रहा था अभी? कहते, भगवान का भजन। कहते, भजन भजन छोड़, गाना सुनाओ कोई मस्त सा। नहीं बाबूजी, गाना तो नहीं गा सकता। क्यों नहीं गा सकता बाबूजी? मैं सिर्फ भजन गाता हूँ, गाने क्यों गाऊं मैं? ठीक है, मैं तुम्हें दो आने दूंगा। कहते, नहीं बाबूजी, भजन सुनाऊंगा, गाना नहीं सुनाऊंगा। कहते, अरे तुम्हारी आवाज पर मुग्ध हो गया हूँ, ये भीख मांग मांग कर गुजारा कर रहे हो, ठीक है मैं तुम्हें चार आने दे दूंगा, आराम से आज का दिन, कल का दिन, तुम्हारा परिवार कई दिन खाएगा, गाना सुना आज। नहीं बाबूजी, भजन सुनो। कहते, ठीक है एक रुपया देता हूँ। उस समय एक रुपया बहुत बड़ी बात थी। एक रुपया दूंगा। कहता, नहीं बाबूजी। कहते, जानता है एक रुपये से तुम्हारा सारा परिवार कई दिन तक आराम से तीन तीन समय का भरपेट भोजन कर सकता है, तो इस प्रस्ताव को ठुकरा रहा है? कहते, बाबूजी एक रुपये के चक्कर में अपने जीवन के लक्ष्य को तो नहीं भुला सकता। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान का भजन करना है, गाने गाकर आपके मन को रिझाना नहीं। उस भिखारी को जीवन का लक्ष्य याद था।
विनोबा भावे जी साथ वाली सीट पर बैठकर भिखारी को देख रहे हैं, सोच रहे हैं अंदर से ये कितना जागरूक है। घर में भोजन बने या ना बने नहीं चिंता, लेकिन जीवन का लक्ष्य ना छूटे ये जानता है, सो तो हम रोक लें। मैंने देखा है जब लोग चौकी करते हैं, जागरण करते हैं, माता रानी को जगाने चले, माँ जागो शेरा वाली, तुम्हें जगाने वाला आया है। अरे सो तो तुम रहे हो, वो तो जाग रही है, तुम ही लक्ष्य भूले हो, माँ नहीं भूली। हम कहते जागो नंदलाल, जागो, अरे जाग रहा है, तभी तो दुनिया चल रही है। हम ही सो जाते हैं और लक्ष्य को भूल जाते हैं। आज भागवत महापुराण में सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को गज ग्रह की गाथा सुना रहे हैं। परीक्षित, तू लक्ष्य भूल गया, मैं तुम्हें लक्ष्य से मिलवाने आया हूं। और वो कहते हैं गजेंद्र को सारूप्य मोक्ष मिला जब उसने कमल अर्पित किया हरि के चरणों में। ये कमल क्या है? आइए कमल के अलौकिक अर्थ को समझने के लिए मैं आपको इतिहास के उन गलियारों में लेकर जाना चाहती हूँ जब भारत माँ परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी पड़ी थी। अंग्रेजों के अत्याचार सहन कर करके भारत का किसान रोता था, भारत का मजदूर वर्ग रोता था, माताएं अपनी बेटियों को संभाल कर रखती थी, और कभी भी अंग्रेज अपने चाबुक चलाते हुए अपने घोड़े पर सवार भारत की जनता को रोंद रहे थे। ऐसा समय जब भारत माता जंजीरों में जकड़ी अश्रुपात कर रही थी, ऐसे समय में इसी धरती माँ के कुछ सपूत जागे। हम अपनी माँ को इन अंग्रेज अधिकारियों से मुक्ति का दान दिलाएंगे और दासता से मुक्त कर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। माँ के वीर जवान अपने घर के सारे महान कर्तव्यों को भूलकर महान कर्तव्य पूरा करने चले अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए। और उनमें थे वीर सावरकर जी। वीर सावरकर का बड़ा भाई गणेश राव भी इस आजादी के आंदोलन में दिन रात एक कर रहा था, लेकिन जानते हो उनके बड़े भाई गणेश राव को अंग्रेज अधिकारियों ने पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। जैसे आजीवन कारावास मिला तो गणेश राव की पत्नी जो घर पर बैठी है इतना रो रही है कि मेरे पति को अंग्रेजों ने अब कारागृह में डाला है, ना जाने कितना अत्याचार करेंगे, कोल्हू में काम करवाएंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, बैंड से मार पड़ेगी, बर्फ की सिल्लियों पर उन्हें लिटाया जाता था, चाबुक से प्रहार किए जाते थे। लेकिन माँ के सपूत एक ही बात कहते थे कि यहाँ पर जो सीने पर भक्ति का रंग लगा है, देशभक्ति का, ये नहीं उतरेगा, जितने मर्जी चाबुक लगा लो, माँ को तो मुक्त करवा कर छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने सहा हमारे लिए।